कचरे के बड़े बड़े ढेर और ढेर के बीच में गोवंश इन ढेरों में से गंदगी और प्लास्टिक को खाकर हो रहे हैं बीमार। यह जो तस्वीर है, जय हनुमानगढ़ जंक्शन जो कचरा का स्थान डालने का रखा हुआ है वहाँ का तस्वीरें हैं। यहाँ पर लंबे ऊंचे ढेर लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर गोवंश जो है इन ढेर के पास पहुँचता है और प्रतिदिन गोवंश इन ढेर पर प्लास्टिक और कचरे को खाकर कहीं ना कहीं बीमार हो रहा है। इसी के मद्देनज़र गो भक्तों के द्वारा इसका आज मौका देखा गया और नगर परिषद चेयरमैन को मौके पर बुलाकर उनको ये मौका दिखाया गया कि इन गोवंश को बचाने के लिए नगर परिषद की तरफ से कुछ किया जाए। उनकी मांग यही है कि गोवंश यहाँ जो अंदर आ जाता है, दीवार को ऊंची करवाकर गेट लगवाने का कोई प्रबंध किया जाए। आइए सुनाते हैं आपको कि इस समस्या के प्रति नगर परिषद चेयरमैन ने क्या कहा है, उन्होंने प्रबंध करने के लिए क्या योजना बनाई है, सुनिए। नगर परिषद का जो बाईपास पर कचरा संग्रहण केंद्र है उसमें कुछ गोवंश अपनी भूख के चलते अंदर घुस के गंदगी खाते हैं, जिससे उनमें बीमारियां पैदा होती है, वह पशु वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए शहर के गोवंश जो गो भक्त हैं उन्होंने बीड़ा उठाया है उनको संभालने का। आज उनके द्वारा जो इस कचरा संग्रह केंद्र में गोवंश भ्रमण कर रहा है उनको पकड़ के गौशाला में ले जा रहे हैं। इनके द्वारा इस कचरा संग्रह केंद्र के गेट पर जो काउ कैचर की व गेट की मांग की है और गेट कीपर की मांग की है, उसके लिए शीघ्र ही दीवार को दुरुस्त करवा कर और इनके काउ कैचर लगा कर और गेट लगाए जाएंगे। जो भी इनका प्रयास है हम इनके सफल होने की पूर्ण कामना करते हैं और नगर परिषद से जो इनको सहयोग है कि इनको उम्मीद है वो हम करने के लिए तत्पर है। यहाँ पर कोई ठेकेदार नहीं है, यहाँ पर खुला कचरा संग्रह केंद्र है। ठेकेदार जो लगा हुआ है हमारा, वो जो कचरा को छन्नी करता है और जो थैलियाँ अलग करके मिट्टी अलग करके उसका ये दायित्व नहीं है कि वो पशुओं को संभाले, वो अपना कचरे को निस्तारण करता है। मेनली ये नगर परिषद इस समस्या का हल निकालेगी और गो भक्त जो है वो भी बैठ के निकालेंगे। अभी नगर परिषद द्वारा एक नई मशीन बड़ी बनाई गई है, उसे स्थापित किया गया है। एक दो दिन में दोनों मशीनें स्टार्ट हो जाएंगी, ये एक दो महीने में सारे जो पहाड़ है ये ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि नगर परिषद चेयरमैन के द्वारा ये कहा गया है कि इस कचरा संग्रह केंद्र के पास ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि गोवंश इस कचरा संग्रह केंद्र के अंदर प्रवेश न कर सके। अब देखना यही है कि नगर परिषद की स्तर से कचरा संग्रह केंद्र पर जो ऊंचे ढेर लगे हैं उनको कम करना और जो चारदीवारी या गेट लगवाकर गोवंश को अंदर जाने से रोकने का कार्य कितनी जल्दी शुरू किया जाता है। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।